डियर फ्रेंड्स, हम आपको आगे नेक्स्ट टॉपिक में पेज मार्जिन सेट करना सिखाएंगे। तो हम यहाँ पर टॉपिक लेंगे पेज लेआउट। पेज लेआउट पर क्लिक करके सबसे पहले हम देखेंगे मार्जिन्स। हमें पेज पर किस तरह की मार्जिन सेट करनी है, हमारा जो वर्क है वो किस तरह का प्रिंट आउट लेना है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्जिन देते हैं। मार्जिन्स पर क्लिक करेंगे तो हमें कुछ मार्जिन्स यहाँ पर बाय डिफॉल्ट दी हुई है। अगर इनमें से हम कोई सी भी मार्जिन्स को चूज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से मार्जिन्स ले सकते हैं। अदरवाइज अगर हमें अपने अकॉर्डिंग कोई मार्जिन सेट करनी है तो आप कस्टम मार्जिन्स में जाएंगे और यहाँ से टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट मार्जिन्स को सेट करेंगे। जैसे हम चाहते हैं कि चारों तरफ वन वन मार्जिन सेट करें तो हम यहाँ पर वन वन टाइप कर देंगे, देन ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप देखते हैं कि सामने जो मैंने प्रैक्टिकल यहाँ पर टाइप किया हुआ है तो इनका स्पेस चारों तरफ से वन मार्जिन पर सेट हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट आपको यहाँ पर ओरिएंटेशन के बारे में समझाएंगे। ओरिएंटेशन, हम पेज का प्रिंट आउट किस तरीके से लेना चाहते हैं। पेज का जो प्रिंट आउट होता है वो दो तरीकों से लिया जाता है, एक तो होती है पोर्ट्रेट शीट और एक होती है लैंडस्केप शीट। पोर्ट्रेट शीट में जो हम सामने जो हमारी शीट देख रहे हैं वो हमारी इस वक्त पोर्ट्रेट में है, और जब हम इसको लैंडस्केप में चेंज करेंगे तो लैंडस्केप में शीट होती है वाइड। वाइड शीट का हम प्रिंट आउट लेने के लिए लैंडस्केप बनाते हैं। अधिकतर वर्क में जो हम प्रिंट आउट लेते हैं वो पोर्ट्रेट में ही होता है, लैंडस्केप शीट को हम हमारी जरूरत के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। साइज, हम किस तरह की साइज पे प्रिंट आउट लेना चाहते हैं। पेज की साइज भी कई तरह की होती है, जैसे लेटर साइज है, टाइब्लॉइड है, यहाँ पर लीगल है, A3 है, A4 है। तो इनमें से जिन पेज पर आप प्रिंट आउट लेना चाहते हैं वो साइज आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर ऑफिशियल वर्क में जो साइज यूज होती है वो होती है A4 साइज। तो हम यहाँ पर अभी जो साइज लेंगे नॉर्मल A4 पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कॉलम्स के बारे में। धन्यवाद।